मॉर्निंग चिल्ड्रन, ऑनलाइन क्लास, क्लास फिफ्थ, सब्जेक्ट हिंदी। देखिए इसमें हमारे में हम लोगों को पढ़ने के लिए क्या दिया गया है, भारत रत्न पुरस्कार। आइए हम देखते हैं हमारे भारत में किसे भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया था। तो ये हमारे पढ़ने के लिए, जानकारी के लिए कुछ चीज़ें दी गई हैं, तो आइए हम इसे पढ़ते हैं। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल शामिल हैं। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी सन 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। 25 दिसंबर सन 2014 को अपने 90 जन्मदिन पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी यानी 25 दिसंबर सन 1924 भारत रत्न पाने वाले 44वें व्यक्ति हैं। ये भारतीय जनसंघ की स्थापना करने वालों में से एक कवि, साहित्यकार और अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं। संप्रति ये राजनीति से संन्यास ले चुके हैं और 6A कृष्ण मेनन मार्ग स्थित सरकारी आवास में रहते हैं। इन्होंने लंबे समय तक राष्ट्रधर्म, पंचजन तथा वीर अर्जुन आदि राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत समाचार पत्रों का संपादन भी किया। उन्होंने अपना जीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक के रूप में आजीवन अविवाहित रहने के संकल्प के साथ प्रारंभ किया और देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचने तक उस संकल्प को पूरी निष्ठा से निभाया। 24 दिसंबर सन 2014 को भारत रत्न पुरस्कार मरणोपरांत पाने वाले मदन मोहन मालवीय 25 दिसंबर सन 1861 से 1946-45 में व्यक्ति थे। ये काशी विश्वविद्यालय के प्रणेता तो थे ही, साथ ही इस युग के आदर्श पुरुष भी थे। ये भारत के पहले और अंतिम व्यक्ति थे जिन्हें महामना की सम्मानजनक उपाधि से विभूषित किया गया। पत्रकारिता, वकालत, समाज सुधार, मातृभाषा तथा भारत माता की सेवा में अपना जीवन अर्पण करने वाले इस महामानव ने विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये सत्य, ब्रह्मचर्य, व्यायाम, देशभक्ति तथा आत्मत्याग में अद्वितीय थे। तो आज हमने बताया किसके बारे में, अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय जी के बारे में कि इन्हें भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था। तो इसे आपको याद करना है और हमेशा इसे क्या करना है, पढ़ना है। ये नहीं कि बस आप थोड़ी सी याद किए फिर कुछ दिन बाद भूल गए, तो ये नॉलेज, ये जानकारी आपको हमेशा काम आती है। फिर देखिए नेक्स्ट पेज, आपके नेक्स्ट पेज में क्या दिया है, पेज नंबर देखिए 66 में, चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में। तो आइए हम आज चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में भी एक छोटी सी उनके जीवन के बारे में परिचय पढ़ते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म भावरा गांव, वर्तमान में क्या नाम है उसका, अलीराजपुर जिला मध्य प्रदेश में 23 जुलाई सन 1906 को पंडित सीताराम तिवारी के घर हुआ था। इनकी मां का नाम जगरानी देवी था। भावरा गांव आदिवासी बहुल क्षेत्र में था, अतः इनका जीवन भील के बालकों के साथ धनुष बाण चलाने में बीता। इस प्रकार इन्होंने निशानेबाजी बचपन में ही सीख ली थी। चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने स्वभाव के अधिकांश गुण अपने पिता से प्राप्त किए। ये स्वाभिमानी, हठी, वचन के पक्के थे। ये ना दूसरों पर जुल्म सहन कर सकते थे और ना स्वयं पर जुल्म सहन कर सकते थे। ये ऐतिहासिक दृष्टि से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अत्यंत सम्मानित और लोकप्रिय स्वतंत्र सेनानी थे। ये पंडित राम प्रसाद बिस्मिल व सरदार भगत सिंह सरीखे महान क्रांतिकारियों के अन्यतम साथियों में से एक थे। सन 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को अचानक बंद कर देने के कारण आज़ाद की विचारधारा
धारा में बदलाव आया और वे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य बन गए। इस संस्था के माध्यम से उन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में पहले 9 अगस्त सन 1925 को काकोरी कांड किया और फरार हो गए। इसके पश्चात सन 1927 में बिस्मिल के साथ 4 प्रमुख साथियों के बलिदान के बाद इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया। इन्होंने भगत सिंह के साथ लाहौर में लाला लाजपत राय की मौत का बदला सैंडर्स की हत्या करके लिया और असेंबली में असेंबली बम कांड को अंजाम दिया। 27 फरवरी सन 1931 को आजाद अपने मित्र सुखदेव राज के साथ अल्फ्रेड पार्क में बातचीत कर रहे थे कि तभी पुलिस वहां पहुंच गई। भयंकर हुई गोलीबारी में इन्हें वीरगति प्राप्त हुई। धन है ऐसे अमर स्वतंत्र सेनानी। तो ये आज हमने क्या किया, चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। इन्हें हमें क्या करना है, इसे हमें पढ़ना है और लर्न करना है और अपने जीवन में भी उतारने की कोशिश करिए कि हम भी कुछ ऐसा, ये नहीं कहते कि आप लोग देश के लिए कुर्बान, लेकिन कुछ ऐसा काम करिए जो ये रहे कि आपके लिए सम्मानित की बात रहे। तो हमारा ये पाठ यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।